Yes, please. Good evening, sir. Take your seat, please. Thank you, sir. सत्यम, आप अपने बारे में कुछ बताइए इस कोड की सहायता से। सर, मैंने अपना परास्नातक वर्ष 2016 में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में पूर्ण किया था। इसके पूर्व मैंने स्नातक भी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से वर्ष 2012 में उत्तीर्ण किया था। इस बीच मैंने बीटीसी की एक डिप्लोमा भी किया था शिक्षा का, और इसके पश्चात मैं सर दिल्ली आ गया था तैयारी के लिए। मैंने हिंदी साहित्य विषय से अपनी मुख्य परीक्षा दी थी। तो आप जब ने आपने पीजी किया हिस्ट्री से, तो हिंदी सब्जेक्ट क्यों रखा ऑप्शनल के रूप में? सर, इतिहास विषय मैंने लिया था तैयारी के परिप्रेक्ष्य से ही, लेकिन सर मुझे उसमें उतनी रुचि उत्पन्न नहीं हुई। जब मैंने इतिहास मेरे कई दोस्त तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे इतिहास हिंदी साहित्य विषय के बारे में बताया, और मैंने जब उसके सर किताबें पढ़ी और अन्य साहित्य पढ़ा, तो सर मुझे उसमें रुचि उत्पन्न हुई, इसलिए मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया। अच्छा, तो हिंदी में क्या आपको अच्छा लगता है हिंदी साहित्य में? सर, मुझे इसकी जो सबसे अच्छी बात लगती है कि सर समाज के जो विभिन्न स्वरूप हैं सर मुझे इतिहास हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं। जो कुरीतियाँ हैं और जो विभिन्न स्वरूप हैं, गांव के हों, शहर के हों, जो वर्तमान में चल रहा है, जो भूत में हो चुका है, वो सारी चीज़ें सर इसमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम मुंशी प्रेमचंद की गोदान की बात करें जी, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो आज 21वीं शताब्दी में कितनी प्रासंगिक हैं? क्या वो समाज आज भी हमारे यहाँ मौजूद है या कुछ उसमें बदलाव हुआ है? सर, बदलाव तो निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि समय निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो सर प्रासंगिक अभी भी बनी हुई हैं। हाँ, कुछ रचनाएं जैसे हैं उसको उन्होंने कालखंड में बांट, मतलब उसमें कालखंड का उन्होंने उल्लेख किया जिससे वो उसमें बंध गई हैं। जैसे गोदान में ही उन्होंने स्वतंत्रता के समय की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है, और तो इससे सर वो कालखंड विशेष के लिए बन जाती हैं। लेकिन जो उसमें सर घटनाएं हैं, जैसे जो किसान की समस्या है उसमें है, जो महिला समस्याएं हैं उसमें हैं सर वो, और जो यौन नागरिकताओं की समस्या है सर वो हमेशा प्रासंगिक बनी रहेगी। तो आप कानपुर नगर से बिलोंग करते हैं, और तो कानपुर की क्या क्या समस्याएँ हैं? सर, कानपुर की जो सर सबसे महत्वपूर्ण समस्याएँ मेरी नज़र में आती हैं सर, एक तो पॉल्यूशन है, वहाँ पर टेंडरीज हैं और अन्य औद्योगिक संस्थान हैं, जिसकी वजह से स्लज की जो है वो सर सीधे गंगा नदी में गिर जाता है, और वायु प्रदूषण भी सर बहुत ज़्यादा होता है। जो सड़कें बनी हुई हैं उसमें सर वहाँ पर उन्होंने फुटपाथ नहीं बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से धूल बहुत उड़ती है और PM 2.5 का लेवल सर बढ़ जाता है। इसके अलावा सर जाम की समस्या वहाँ पर अधिक विकट है, क्योंकि जो GT रोड है उसके किनारे किनारे रेलवे लाइन गई हुई है, तो जैसे ही क्रॉसिंग बंद होती है तो भारी मात्रा में सर भीड़ लग जाती है वहाँ पर रोड पर। तो अगर आपको वहाँ का PCS अधिकारी बना दिया जाए, डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे आप? सर, जो पॉल्यूशन की समस्या है सर उसके लिए मैं कुछ कदम उठाना चाहूँगा। जैसे जो पहले धूल की समस्या है, जो रोड के किनारे सर टाइल्स नहीं लगाए गए हैं सर वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसको अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा आवंटन किया जाए अधिक उसमें, तो सर उसको बहुत आसानी से उसका निदान किया जा सकता है। वहाँ पर पेड़ लगाए जा सकते हैं जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो और मिट्टी छोटे छोटे कणों में विभाजित ना हो। इसके अलावा सर जो स्लज की समस्या है, जो टेंडरी से सीधा पानी STP में नहीं आता है, तो सर उसके 2-3 कारण हैं। एक तो सर निरीक्षण सही तरीके से नहीं होता है, जो प्रशासन है वहाँ का वो सही से निरीक्षण नहीं कर रहा है सर। दूसरी बात ये है कि सर जो टेंडरीज हैं उन पर स्लज को सीधे नदी में गिराने के कारण सर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई होती तो सर उन्होंने ठीक कर लिया होता, तो सर मैं इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा। तो इसी रेस्पेक्ट में अभी एक टर्म चर्चा में है, स्टार डस्ट 1.0 जी, क्या है ये और क्यों चर्चा में है? सर, स्टार डस्ट ये स्पेस एक्स कंपनी है एलॉन मस्क की सर, उनका एक ये रॉकेट है जिसका सर उन्होंने उसमें सर बायोफ्यूल का उपयोग किया है, और सर ये उपग्रहों को अंतरिक्ष में सर प्रक्षेपित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। प्लीज, आप छत्रपति साहू जी महाराज से आपने ग्रेजुएशन किया जी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं जी? हाँ। सर, छत्रपति साहू जी महाराज सर ये 1902 में महाराष्ट्र की कोल्हापुर जो सर रियासत है वहाँ पर सर ये राजा बने थे। ये भोसले जो डायनेस्टी सर उससे बिलोंग करते हैं। तो इसके अलावा जो इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो सर जो निचले वर्ग के लोग हैं, दलित और इस तरह के लोगों से, उनके परिप्रेक्ष्य में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। इन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण को लागू किया था। इसके अलावा इन्होंने जो निचले तबके के ऐसे मेधावी छात्र थे जो कि अपनी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते थे, सर उनकी शिक्षा का खर्च वहन किया था, जिसमें सर महत्वपूर्ण नाम है भीमराव अम्बेडकर जी का, जिनको उन्होंने पढ़ने के लिए विलायत भेजा था। सर इसके अलावा इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा है सर उसको उन्होंने मुक्त कर दिया था। गुड। उसके और इनके बारे में, इनका एजुकेशन के बारे में कुछ शायद मालूम है आपको? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं बताया। संभवतः शायद पहले व्यक्ति थे जिनको ब्रिटेन की किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की उपाधि दी थी। जी, थैंक यू सर। ओके, बीटीसी आपने किया है। बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट। बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट। ओके, भारत में शिक्षित किसको कहते हैं सर? जो लिख लेता हो और पढ़ लेता हो सर, उसको सर शिक्षित कहा जाएगा। और कुछ क्राइटेरिया है सर? आधारभूत ज्ञान रखता हो। कुछ उम्र का भी है, कुछ एज का भी है क्या सर? इसके बारे में जानकारी नहीं है। सॉरी सर। ओके, हिस्ट्री भी आपने पढ़ा एमए में। हिस्ट्री का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा सर? मुझे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास है क्या सर? आधुनिक भारत का इतिहास मुख्य रूप से सर इसमें अंग्रेजों के आने के पश्चात का जो इतिहास है सर, और जिसमें सर भारतीय समाज में बहुत तेज की विषय वस्तु हो गई। जी, अगर मैं कहूँ इसे जरा डिफाइन करें। आधुनिक जो परिवर्तन हुए भारतीय समाज में सर, जो उसको डिफाइन करता है सर, वो जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन देखा गया सर। ये पूछना चाहते हैं कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है जी, उसमें जो पूरी कहानियाँ हैं जी, उसका सार क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं सर? भारत में आधुनिकता का आगमन सर, ये उसका मुख्य कंटेंट होगा उसमें लगता है। आधुनिकता जी, अच्छे। अभी 12 मार्च से प्रधानमंत्री जी ने एक महोत्सव की शुरुआत की, 12 मार्च 2021 सर। कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान। अभी मैंने पूरा प्रश्न भी नहीं बोला गया। 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री ने एक अभियान की शुरुआत की, महोत्सव की शुरुआत की, और यह महोत्सव जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चंपारण सर, उसको 75 साल हो रहे हैं इसमें। अमृत महोत्सव क्या है सर? जानकारी नहीं सर, पढ़ा नहीं मैंने। गांधी जी ने दांडी मार्च किया जी, कब से स्टार्ट किया था? सॉरी सर, 12 मार्च से शुरू किया था। गांधी जी कहाँ गए थे, कहाँ से स्टार्ट किया था सर? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। हाँ, और समुद्र तक गए थे, दांडी। जब गांधी जी वहाँ जाते हैं तो संबोधित करते हैं जनता को, और दांडी को एक नए नाम से, आजकल पेपर में भी आ रहा है उसका, उसी दिन आया भी था सर। सॉरी, पता नहीं है मुझे। ओके, अच्छे। आपने बीटीसी किया जी। ये बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है सर? बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की सर, हर बालक ना अपने आप में विशिष्ट होता है, उसकी अपनी विशेष रुचियाँ होती हैं, उसके अपने विशेष विकास के क्षेत्र होते हैं। सभी बालक एक तरह के नहीं होते हैं, सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते सर। उसमें बालकों की जो विशेष रुचियाँ हैं उनको पहचाना जाता है, और उसके हिसाब से शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं किया जाता है कि एक ही सिलेबस के अनुसार सबको एक ही तरह की आप अप्रोच से पढ़ाएँ। कुछ बालक बहुत तेज़ी से सीखते हैं, कुछ धीमे से सीखते हैं, और कुछ को सर बहुत ज़्यादा समझ लगता है। भारतीय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय जो स्कूली शिक्षा है उसकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है सर? भारत में जो स्कूली शिक्षा है उसमें सर जो प्रमुख समस्या है कि जो मुफ्त शिक्षा है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है सर, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो अभी इतना मजबूत नहीं है। और किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है सर? मेरा ख्याल है कि जो प्राथमिक और माध्यमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर अभी बहुत कमज़ोर है, और जो उसमें शिक्षक हैं वो या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या फिर बहुत ज़्यादा इतने क्वालिफाइड हैं कि वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं उनको। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड जी। वो सर ऐसा है कि कुछ एमटेक किए हुए हैं या एमबीए किए हुए हैं, उनकी सर रुचियाँ नहीं है पढ़ाने की, वो पढ़ाना चाहते नहीं हैं, लेकिन वो एक उन्होंने सिर्फ कैरियर ऑप्शन के तौर पर वो शिक्षा को चूज़ कर लिया है, तो वो अपने जो प्रोफेशन है सब उसका न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, शिक्षा प्रोफेशन, जो शिक्षक का जो कार्य है, प्रोफेशन है या मिशन है सर? सर दोनों ही हो सकते हैं ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उसको एक वो अपने उसका सर वो एम्बिशन है या फिर उसका प्रोफेशन है, ये तो सर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। सर आप टीवी डिबेट देखते हैं जी, किस टाइप के डिबेट को? सर मुख्यतः सर राज्यसभा टीवी और इस तरह की डिबेट। राज्यसभा टीवी देखते हैं। अभी दिल्ली में आप चूंकि रह कर तैयारी कर रहे हैं तो अभी एक विधेयक पारित किया गया राज्यसभा से, उससे क्या बदलाव आया दिल्ली के प्रशासन में? सर उसमें जो सरकार की परिभाषा है उसमें ये कहा गया है कि जो सरकार का तात्पर्य होगा वो सर उपराज्यपाल से होगा। जो डिबेट थी कि किसकी शक्ति सर्वोपरि है, चाहे निर्वाचित मुख्यमंत्री की या फिर चयनित उपराज्यपाल की, तो सर अब ये निश्चित हो गया कि उपराज्यपाल की जो निर्णय लेंगे वो सर सर्वोपरि होंगे। आपको लगता है कि यह जो निर्णय लिया गया है जी यह उचित है? सर मैं थोड़ा सा इसको उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि सर लोकतंत्र में जो सर निर्वाचित होते हैं सर उनको सर्वोपरि रखा जाता है। वो हम देख सकते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के केस में भी सर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को सर हमारे यहाँ सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन जो कार्यपालिकी शक्तियाँ हैं सर वो प्रधानमंत्री में निहित हैं, उसको ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। ऐसे ही राज्य में भी कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थे या राष्ट्रपति में सर नहीं तो राष्ट्रपति में, लेकिन सर उसका उपयोग वो करता है प्रधानमंत्री करता है। अच्छा अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपने गोदान भी पढ़ा होगा, क्या आपको लगता है कि होरी में और वर्तमान के किसान में कोई समानता है? जी है। क्या सर होरी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो उसकी ज़िंदगी भर एक ही अभिलाषा थी कि वो एक उसके पास अपनी गाय हो और उसका वो गोदान कर सके। इसका सर तात्पर्य ये था कि वो कभी इतना धन कमा ही नहीं पाया कि वो अपना जीवन का जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा कर सके, वो जिंदगी भर इसी संघर्ष में लगा रहा। सर आज के हमारे जो कृषक वर्ग है सर उसकी भी यही समस्या है। हमारे यहाँ 85% जो सर कृषक हैं वो सीमांत कृषक हैं, उनकी भूमि के आकार बहुत छोटे हैं, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उससे सर नहीं कर सकते हैं, उनको मजदूरी करनी पड़ती है जब अपने घर के पालन के लिए, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए सर सरकार की योजनाओं पर ही निर्भर होना पड़ता है, वो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, वो मुख्य रूप से सर कृषि को एक व्यवसाय के रूप में नहीं चयन कर सकते हैं, वो गर्व से नहीं कह सकते हैं कि आप क्या करते हैं, तो सर वे गर्व से नहीं कहेंगे कि मैं किसान हूँ। अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप अपने बच्चों को किसान बनाएंगे तो सर हो सकता है कि वो मना कर दें कि नहीं मैं अपने बच्चों को किसान नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ और बनाऊँगा। सर इसमें परिवर्तन और यहाँ पर सर समानताएँ हैं वे भी। अच्छा भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है जी, क्यों कहा जाता है? सर भक्ति काल को स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं कि सर इस काल में जो सब राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा के रूप में सर बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा गया और बहुत उन्नत साहित्य लिखा गया। दो सबसे बड़े जो महाकाव्य हैं सूर सागर और रामचरितमानस सर दोनों ही इसी काल में लिखे गए। रामचरितमानस सर इतना विख्यात हुआ कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला महाकाव्य है। अच्छा ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा जी पढ़ा होगा आपने? जी जी पढ़ा है। क्या है ये? सर ज्ञानाश्रयी जो शाखा है सर वो दोनों ही निर्गुण से संबंधित हैं, लेकिन सर मुख्य भेद ये है दोनों में कि एक शाखा जो प्रेमाश्रयी शाखा है वो सर सूफी से रिलेट करती है। अनल हक की सर मुझे टर्म नहीं याद आ रहा है, रहस्यवाद जो है दोनों में डिफरेंस है सर में तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी वर्तमान में कोविड के बाद भारत की जो स्थिति है विश्व वर्ल्ड ऑर्डर में वो बढ़ती जा रही है ना, तो इसके पीछे क्या हम मान के चलें कि कोविड ने हमें एक अवसर दिया जिससे हम अपने आप को एक वर्ल्ड ऑर्डर में लीडिंग पोजीशन पे रख पाए? सर जब भी कोई समस्या आती है तो सर अपने साथ वो अवसर भी लेके आती है। सर ये इतिहास में भी देखा गया है कि जो सबसे महान नेता होते हैं वो तब उभर कर सामने आते हैं जब संकट सबसे बड़ा होता है। तो सर ऐसे में जब अगर विश्व में सर भारत महागुरु बनना चाहता है या अपनी जो उसकी उपस्थिति है उसको सुदृढ़ करना चाहता है तो सर इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी हमारे प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर गए हैं, कौन से देश की यात्रा पर? सर बांग्लादेश की यात्रा पर गए। किस उपलक्ष्य पर गए हैं ये? सर वहाँ पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, शेख मुजीबुर रहमान जी का जन्मशती मनाई जा रही है। क्या रोल था उनका? सर मुख्य रूप से सर शेख मुजीबुर रहमान जी का सर उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। सर जब चुनाव हुए थे जब संयुक्त पाकिस्तान था तो उनकी सरकार निर्वाचित हुई थी, लेकिन उनको पद ग्रहण करने नहीं दिया गया था। उसके बाद सर वहाँ पर ग्रह छिड़ गया। इसके पश्चात उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत मुखरता से योगदान दिया था। सर बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? सर किसी ने कहा है सर कि हम अपने रिश्तेदार चुन सकते हैं, लेकिन सर अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं, और बांग्लादेश एक अच्छा पड़ोसी बन सकता है। सर दूसरी बात ये कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है उसके विकास के में बांग्लादेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जाने का रास्ता है सर वो हमें चिकन नेक से होकर जाना पड़ता है। वो स्वच्छता की दृष्टि से भी सर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश से होकर सर हमें एक अल्टरनेट रास्ता मिलता है कि हम बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे फेनी नदी पर पुल बनाया जा रहा है। क्या नाम है उस पुल का? सर मैत्री पुल। वो त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। फेनी नदी पर बांग्लादेश से असम को कनेक्ट करता है, त्रिपुरा को कनेक्ट करता है। तो सर इससे कनेक्टिविटी की समस्या भी सॉल्व होती है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको सर व्यापार के लिए भी अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, और सर सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें यूपी की बात अगर हम करते हैं जी, तो यूपी कृषि के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा एरिया है ना। आप अगर लें तो पूरा पूर्वांचल लें या पश्चिमांचल लें, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ कृषकों की स्थिति दयनीय है। क्या कारण है इसके पीछे? सर इसका एक प्रमुख कारण है कि कृषक शिक्षित नहीं है, क्योंकि देखा गया कि जो हरित क्रांति का प्रसार हुआ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हुआ, और पूर्वांचल में सर उसका उतना प्रभाव नहीं देखा गया। इसके पीछे प्रमुख कारण माना जाता है कि वो शिक्षा का जो प्रसार था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक रहा। शिक्षा कारण था या कुछ और कारण थे इसके? सर कनेक्टिविटी भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। जो शिक्षा की सुविधाएं हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक हैं, बशर्ते अगर हम पूर्वांचल को देखें अधिक विकसित है पूर्वांचल की सिंचाई की सुविधाएं। और जो बाढ़ की समस्या है वो भी पूर्वांचल में ज़्यादा है। वहाँ की नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है, इसकी वजह से फसल में नुकसान होता है और बाकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सर ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। अभी आप रामचरितमानस की बात कर रहे थे जी, तो रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है? सर ऐसा माना जाता है कि सर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और रामचरितमानस में जो राम का चरित्र है, राम भगवान का, सर वो एक आदर्शवादी चरित्र है, कृष्ण जी की तरह यथार्थवादी नहीं है। और सर वर्तमान में सर ये जो आदर्शवादी चरित्र होता है सर इसमें बड़ी समस्याएं आती हैं उसको पालन करने में। नहीं तो रामायण, मेरा प्रश्न है कि रामचरितमानस जी और रामायण दो अलग अलग रचनाएं हैं, ठीक है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तुलसीदास ने रामचरितमानस की, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? इसको अगर और परिष्कृत रूप में हम कहें तो तुलसी के राम में और वाल्मीकि के राम में क्या अंतर है? सर मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर।